खेसारी जी का गाना मैंने मना किया था जब मैं पवन जी का शूटिंग कर रही थी। खेसारी जी बिल्कुल नए नए थे, तो एक कावर का भजन था उनका। हमारी इंडस्ट्री में बड़ी गेम है, बहुत गेम है, मतलब कि आप तक आज आप सारा गेम यहाँ बता दीजिए क्योंकि बहुत दिनों बाद मिली हैं। बाद में खेसारी जी उसमें लड़की बनके मेरा ही कॉस्ट्यूम मेरा ही बिग लगा के उन्होंने किया और वो गाना काफी हिट हुआ। और हम लोग वैसी लड़कियां हैं नहीं कि हम भाई लटक जाए, चाहे हमें दिक्कत हो तो हम रोए आ करके। बहुत सारी आर्टिस्ट फेसबुक पे या इंस्टा पे रोती हैं। तेज जी थे जा रहे चंदा के गाने के लिए, वो 7 दिन मेरा बनारस में वेट किए थे और मैं वैष्णो देवी थी तो मैं नहीं कर पाई वो गाना देख के। वो भी बहुत पॉपुलर हुआ। सैया के खुला था ना बुद्धि गुदगुदी होता एंगल से, तो मैंने बोला कि यार ये कैसे, जैसे मैं भी शुरू से ही मैं गानों को बड़ा चूज करती हूँ कि अश्लील मुझे नहीं करना है। तो मैंने बोला यार ये भक्ति गाना है और इसमें सैया के खुला था ना बुद्धि गुदगुदी होता बोल रहा है, तो मैं नहीं करूंगी इस गाने को। मैं अभी मैम इंडस्ट्री में कुछ ऐसी फीमेल एक्ट्रेस हैं जिनकी होड़ लगी हुई है कि एक चांस मिल जाए पवन सिंह के साथ काम करने के लिए, खेसारी लाल यादव के साथ काम करने के लिए, निरहुआ जी का तो दूसरा मिजाज है तो वहां तक तो बात जाती है, लेकिन हाँ चाहती तो और भी एक्ट्रेस हैं कि उनके साथ भी काम करें। आपने पवन सिंह के साथ भी काम किया है, खेसारी लाल यादव के साथ भी काम किया है, क्या अभी इच्छा होती है आपकी कि हाँ उनके साथ कोई फिल्म मिले, बड़ा कुछ किया जाए ताकि एक बार फिर से कमबैक हो, ऐसा कुछ सोचती हैं आप? देखिए पवन जी के साथ तो फिल्म नहीं किया है मैंने, खेसारी जी के साथ फिल्म किया है। हाँ पवन जी के साथ तो मैंने बहुत गाने किए, बहुत सारे। वो मुंबई रहते थे तो स्पेशली मेरे लिए 2 गाने भेजते थे पटना कि ये गाना दोनों निशा से ही आप करवाना। तो आर्टिस्ट की तो बड़ी रिस्पेक्ट है नो डाउट, लेकिन फिल्म अगर अच्छी मिले तो किसे नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए। हाँ लेकिन मामला क्या है कि फिल्म आप तक पहुँचेगी नहीं, क्योंकि पहुँचेगी कि नहीं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बड़ी गेम है, बहुत गेम है, मतलब कि आप तक आज आप सारा गेम यहाँ बता दीजिए क्योंकि बहुत दिनों बाद मिली हैं। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं कहीं सबको बताया गया मैं बहुत मूवर्ट हूँ, मैं बोल देती हूँ सच। होता क्या है बताती हूँ कि पवन जी को खेसारी जी को प्रॉब्लम नहीं होगी अगर निशा है तो, क्योंकि जब वो काम करते हैं तो आप ही तारीफ कर रहे हो हमारी। फिर फिल्म में क्या हो जाता है जब आप मेरी एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं कि वानिशा जी एक गाना मेरा वाला ये और आप कीजिए, तो फिल्म के टाइम पे मैं फाइनल हो के क्यों मना हो जाती हूँ? तो इसका मतलब ये होता है ना जो उनके आसपास वाले लोग होते हैं ना, जैसे आपने बोला जो चमचे होते हैं वो अपना जो कार्टंट लगाते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ क्या है ना कि अपनी अपनी कंपनियों ने एक एक रख रखा है कहानी, तो ये हमारी तरफ से यही रहेंगी तो हम आपकी फिल्म लेंगे, ये हमारी तरफ से रहेंगे तो हमारी फिल्म लेंगे। इन्होंने बड़ा इंडस्ट्री को कर दिया है खराब, सच्चाई नेपोटिज्म। हाँ तो हमारा क्या है ना कि हम लोग फंस जाते हैं, और हम लोग वैसी लड़कियां हैं नहीं कि हम भाई लटक जाए, चाहे हमें दिक्कत हो तो हम रोए आ करके। बहुत सारी आर्टिस्ट फेसबुक पे या इंस्टा पे रोती हैं, तो हमारा वो मुद्दा है नहीं कि हमें इतना भी काम चाहिए कि हमें रोना आ जाए। तो फिर हम बड़े खुश रहते हैं कि भाई एक गाना कर लिया बस ठीक। आर्टिस्ट हमें काम करने से मतलब है, वो कौन है, क्योंकि हम लोग उस टाइम भी काम किए हैं। अब बोलना नहीं चाहिए मुझे, खेसारी जी का गाना मैंने मना किया था जब मैं पवन जी का शूटिंग कर रही थी। खेसारी जी बिल्कुल नए नए थे तो एक कावर का भजन था उनका, सैया के खुला था ना बुद्धि गुदगुदी होता एंगल से। तो मैंने बोला कि यार ये कैसे, जैसे मैं भी शुरू से ही मैं गानों को बड़ा चूज करती हूँ कि अश्लील मुझे नहीं करना है। तो मैंने बोला यार ये भक्ति गाना है और इसमें सैया के खुला था ना बुद्धि गुदगुदी होता बोल रहा है, तो मैं नहीं करूंगी इस गाने को। मैं रेडी होके गाना सुन के सेट पे नहीं किया मैंने। मना कर दिया आपने। हाँ बाद में खेसारी जी उसमें लड़की बनके मेरा ही कॉस्ट्यूम मेरा ही बिग लगा के उन्होंने किया और वो गाना काफी हिट हुआ। ठीक है फिर खेसारी जी वापस से बोला गया कि करना है। हम लोग पवन जी का प्रोजेक्ट कर रहे थे होली का, तो खेसारी जी का एक गाना आया था। उस समय खेसारी जी को मैं जानती बिल्कुल नहीं थी, खेसारी जी का कोई नाम नहीं था, तो उनका एक गाना उस टाइम मेरे साथ का जो बहुत हिट हुआ तो माई के मिस कॉल मार देनी रे गलती से, तो वो गाना हम लोग किए। उस समय मैं भी जानती भी नहीं थी उनको, तो मैंने उनका किया। रितेश जी थे जा रहे चंदा के गाने के लिए, वो 7 दिन मेरा बनारस में वेट किए थे और मैं वैष्णो देवी थी तो मैं नहीं कर पाई वो गाना देख के। वो भी बहुत पॉपुलर हुआ। कुंजन जी का स्टार्टिंग से लेकर आज तक जो गाना बजा है, बहुत सारे गाने, वो ये बात बोलते भी हैं ड्यू टू रीजन मैं हूँ, क्योंकि उनके जितने भी गाने बजे हैं चाहे वो सैड सॉन्ग हो चाहे जो हो, वो मुझे बहुत लकी भी बोलते हैं, तो वो भी मेरे ही हैं जो भी हैं। और पवन जी का एक गाना उस समय एल्बम में बहुत हिट हुआ था जो लोकगीत तरह बजा, जबकि वो होली का गाना था, मोबिल के डाली मशीन में एक सॉन्ग था जी। वो भी गाना बहुत म्यूजिक से आया था। हाँ जी तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है, मैंने पर्याप्त इतना कर लिया है कि मुझे बहुत सुकून है। मुझे ये नहीं कभी है खलल की मैं कर लेती तो मैंने इतने हिट्स दिए हैं
कि मुझे लोगों के पास पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ बस इनका प्यार ऐसी बरकरार रहे, क्योंकि मैं इतने सालों से अगर काम कर रही हूँ आज भी सक्षम हूँ तो रीजन है अपनी ऑडियंस। ऑडियंस जब तक आपको प्यार करेगी कोई आपको नहीं हटा सकता।